नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए। काविंद्र चौहान मेरा नाम है और आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। दर्शकों, बीते 16 दिनों में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या केरला नहीं देख रहा है, बल्कि समूचा भारत वो तस्वीरें देख रहा है। भारत के साथ साथ विश्व भर में भी इसकी बातचीत हो रही है। 370 हटने के बाद सरकार की ओर से तमाम दावे किए गए थे कि अब घाटी में जो फैला आतंक है उस पर लगाम लगेगी और उसको काबू में किया जाएगा। कुछ समय तक ऐसी तस्वीरें भी रही, शांति का माहौल भी देखने को मिला, एक बार फिर से घाटी में हलचल देखने को मिली और टूरिस्ट एक बार फिर वहां पर पहुंचने लगे। जन्नत को जन्नत का दर्जा दिया गया था तो वहां पर लोग पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों को जन्नत की ये तस्वीरें पसंद नहीं है और एक बार फिर पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी भारत में एक बार फिर से आतंक को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से, पूरी तैयारी से लगे हुए। कश्मीर में एक बार फिर हलचल है, कश्मीर में एक बार फिर आतंक पैर पसार रहा है और इसको साबित करने के लिए ये आंकड़े काफी हैं कि बीते 16 दिनों में 11 गैर कश्मीरियों की हत्या कर दी। 11 कश्मीरियों की, जो गैर कश्मीरी थे, वहां पर रह रहे थे, छोटे छोटे काम करते थे, कोई दुकान चला रहा था, कोई ठेला लगाता था, कोई गोलगप्पे बेच रहा था, अलग अलग तरह के कोई काम करते थे, लेकिन सभी को इन आतंकियों ने चुन चुन कर मार दिया। इनसे इनका धर्म भी पूछा। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है कश्मीर? क्या एक बार फिर आतंक दस्तक दे चुका है? क्या एक बार फिर वो 90 की तस्वीर हमारे सामने आने वाली है जब बाकी लोग पलायन करने को मजबूर थे? तब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ था, कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन हुआ था, तो क्या एक बार फिर अब नॉन कश्मीरियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा? और ऐसे ज्यादा समय नहीं लगेगा इन तस्वीरों में, क्योंकि ये तस्वीरें आने लगी हैं। कश्मीर से आज तस्वीरें आई हैं जहां पर हिंदू लोग, बिहार के लोग पलायन करते हुए देखे गए। उन सभी का कहना था कि स्थानीय लोग तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके मन में बौखलाहट है, कुछ लोग हैं जो कश्मीर में शांति को पसंद नहीं करते, कुछ लोग हैं जो अमन को पसंद नहीं करते। लेकिन दर्शकों, एक सवाल और ये है कि कुछ लोग जो हमारे देश में रहते हैं और वो इसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने के लिए इनके पास अनर्गल इनकी बयानबाजी है। सबसे पहली ये बात है कि कश्मीरियों की बात सुनिए, कश्मीरियों की बात सुनिए। अगर उत्तर प्रदेश की कोई घटना हो तो क्या उसमें महाराष्ट्र के लोगों की बात नहीं सुनी चाहिए? क्या केरला के लोगों की बात नहीं सुनी चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के लोगों की बात नहीं सुनी चाहिए? तो जम्मू कश्मीर जब हमारा अभिन्न अंग है तो वहां पर कोई भी हरकत, कोई भी घटना, उसकी बात करने के लिए क्या सिर्फ कश्मीरी लोग हैं? उसकी बात समूचा भारत कर सकता है। कश्मीरी कहीं भी जा सकते हैं, भारत के किसी भी कोने, और भारत के किसी भी कोने का कोई भी नागरिक कश्मीर में जा सकता है। तो ऐसे में आज का सत्ता का संग्राम इसी बात पर है कि आखिर जब सरकार ने वो हसीन सपने दिखाए थे कि कश्मीर की घाटी एक बार फिर से चहकेगी, एक बार फिर से खूबसूरती से लबालब नजर आएगी, तो आखिर फिर ये ग्रहण अब कौन लगा रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से बाहरी लोगों पर हमले बढ़ गए हैं। आतंकी यहां खास तौर से गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। रविवार को ही आतंकियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 2 लोगों की जान चली गई जबकि 1 घायल है। कुलगाम के लारन गांजीपुरा एरिया में जिन्हें गोली मारी गई वे सभी मजदूर थे। इससे पहले शनिवार को आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के रहने वाले एक शख्स को गोली मार दी थी। गंभीर स्थिति में उसे श्रीनगर के SMHS अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारे गए व्यक्ति का नाम अरविंद कुमार शाह था। वो बिहार के बांका जिले का रहने वाला था और रेहड़ी लगाकर पानी पूरी बेचता था। दूसरी घटना में आतंकियों ने शनिवार को ही पुलवामा में सगीर अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। वो यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। अब ऐसे माहौल में प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। भारी संख्या में बाहरी मजदूरों के कश्मीर छोड़ने की खबर सामने आ रही है।
इन लोगों की माने तो इनका कहना है कि मजदूरों पर जानलेवा हमलों की खबरों से हम डर गए हैं, उन्हें यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं लग रहा। कई प्रवासी मजदूर दीपावली पर घर जाने वाले थे, लेकिन हिंसा की वजह से त्योहार से पहले ही यहाँ से निकल रहे हैं। गैर कश्मीरी लोगों में दहशत है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जगह जगह पर मजदूर ग्रुप बनाकर अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों के लोगों की भीड़ पलायन करती नजर आ रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए टीम कश्मीर भेजी है। स्पेशल टीम यहां पर आतंक फैला रहे आतंकियों का खात्मा करेगी। ये टीम दिल्ली से कश्मीर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में हो रहे लगातार आतंकी हमले पर बिहार में भी राजनीति तेज हो गई है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नहीं संभल रहे तो उसकी जिम्मेदारी बिहारियों को दे दे, 15 दिन में बिहारी जम्मू कश्मीर के हालात सुधार देंगे। मांझी ने यह बयान दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बिहारी मजदूरों की हत्या के बाद दिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में हुई चरमपंथी हिंसा में कई हिंदू और कुछ सिखों के मारे जाने के बाद जम्मू और कश्मीर का माहौल एक बार फिर से तनाव से घिर गया है। लोगों के जहन में इन हिंसक घटनाओं को लेकर कई सवाल उमड़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राज्य के हालात फिर से 90 के दशक जैसे होते जा रहे हैं? क्या घाटी से कश्मीरी पंडितों और राज्य के अल्पसंख्यकों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो जाएगा? कुछ खबरों की माने तो कश्मीरी पंडित और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 150 परिवारों ने जम्मू में शरण ली है। विशेषज्ञ कहते हैं कि वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। घाटी में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी गई और ये संख्या अब एक बार फिर से बढ़ रही है। बीते 16 दिनों में 11 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ऐसे में सवाल उठता है कि घाटी के अल्पसंख्यक जैसे कश्मीरी हिंदू और सिखों के खिलाफ हिंसा की वारदातों में अचानक वृद्धि कैसे हुई? जानकारों को लगता है कि इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जब बड़े पैमाने पर हिंसा और उनकी हत्याएं हुई तो अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर अपने परिवारों के साथ वो घाटी से निकल गए थे। फिर कई सालों तक देश के अलग अलग हिस्सों में वो बतौर शरणार्थी रहने को मजबूर हुए। इस दौरान पलायन कर चुके लोगों ने अपने पीछे जो घर और संपत्ति घाटी में छोड़ दी थी उन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया या फिर उसे औने पौने दामों में खरीद लिया। इसे देखकर ही साल 1997 में राज्य सरकार ने कानून बनाकर विपत्ति में अचल संपत्ति बेचने और खरीदने के खिलाफ कानून बनाया, लेकिन जानकार कहते हैं कि कानून के बावजूद भी औने पौने दामों में संपत्तियां बिकती रही हैं। तो ऐसे में ये सवाल है कि क्या संपत्तियों का डर एक बार फिर से सता रहा है, क्योंकि 1000 से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ है। जानकार कहते हैं कि अचानक शुरू हुई हिंसा के पीछे ये मुख्य कारण हो सकता है। बड़ी सुरक्षा चूक भी एक मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा लगातार हमलों का जो सिलसिला है वो 2008 से जारी है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यहाँ के कट्टरपंथियों में बड़ी बेचैनी रही। उनके अंदर गुस्सा पनप रहा था जिसने अचानक से हिंसा की शक्ल ले ली है। 370 हटने के बाद 2 साल तक सब कुछ बहुत सामान्य रहा, लेकिन 2 साल बाद से एक बार फिर से जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ है, लेकिन सवाल ये है कि कश्मीर में बैठे जो कट्टरपंथी हैं, क्या इन हमलों की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती? क्या वो जिम्मेदार नहीं है इन हमलों के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बॉल इंडिया। तो कोई कहता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, कोई कहता है इसमें किसी और का हाथ है, लेकिन महज इसका हाथ है उसका हाथ है कहने से क्या जिम्मेदारियां घट जाती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद एक और चीज है कि कुछ लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की बार बार कोशिश करते रहे। ये पहली दफा नहीं है, 90 के दशक में भी यही था और आज भी यही है। तो इस कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए एक चीज बहुत क्लियर करने की जरूरत है कि ये कश्मीरियत नहीं है। ये लड़ाई कश्मीरियत की है ही नहीं, ये लड़ाई आतंकवाद की है। इसे कश्मीरियत की समस्या बताकर इस्लामिक आतंकवाद को कुछ लोग कवर फायर देना चाहते हैं, ये स्पष्ट बात है।
इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। मैं बात करूं बिंद्रू की, राकेश पंडिता की, अजय पंडिता की, अयूब पंडित की, सब कश्मीरी थे, सब के सब, जिन्हें आतंकवादियों ने मारा, तो लड़ाई कश्मीरियत की कैसे। इसके अलावा जो बाहर के भी थे वो सब हिंदू थे, इसलिए मारे गए। तो क्या चुन चुन कर जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ काफी मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करा देता हूं एक बार। गौरव मिश्रा साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। भूदेव शर्मा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। शाहबुद्दीन सैफी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। राजीव ब्राह्मण साहब हैं, हिंदू संगठन से ताल्लुक रखते हैं। वकार एच भट्टी साहब हैं, समाज सेवी हैं और ये कश्मीर से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले मेरा जो सवाल रहेगा वो गौरव मिश्रा साहब से रहेगा। गौरव मिश्रा साहब, 370 जब हटाई थी तो बड़े अच्छे अच्छे वादे किए थे, बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे, कश्मीर एक बार फिर जन्नत बनने जा रहा था। लोगों ने वहां के बकायदा टिकट्स बुक कराए, लोग वहां जाने लगे, हलचल दिखने लगी, वहां भीड़ दिखने लगी। लेकिन क्या कुछ बदला है? वही सब कुछ तो है, 90 के दशक में हम सब लोग ये पहले ही देख चुके हैं, दोबारा से फिर वही तस्वीरें। आवाज साफ नहीं आ रही, बहुत क्रॉस हो रही है कई तरह की आवाज। ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, जो बोल नहीं रहे हैं उनके पीछे वो अपना माइक ऑफ कर ले, सबसे अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, सबसे यही गुजारिश है मेरी कि ठीक है, 120 चली थी पहले। ठीक है, गौरव मिश्रा साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है थोड़ा जी, आगे से आ रही है लेकिन कई लोगों की आवाज एक पहले की तरह, या तो बात बंद कर दे लोग। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको पीसीआर टीम सही करने का काम करेगी। ठीक है, टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है। लेकिन हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल ये चर्चा है कि कश्मीर में जो लोग इसको कश्मीरियत की लड़ाई बताने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल उस चीज को कवर फायर देना चाहते हैं जो आतंकवाद है। आतंकवाद को कवर फायर देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिशें की जा रही हैं, तमाम कोशिशें। लेकिन सवाल तो वही है कि जो चीज 90 के दशक में देखी जा चुकी है, जिस वायरस का दरअसल अभी तक जिसकी वैक्सीन जो कि सेना है उसको फ्री हैंड था, लेकिन इसके बावजूद ये जो वायरस है ये कैसे बढ़ता चला जा रहा है, इस पर सवाल जो होगा मेरा पहले बीजेपी प्रवक्ता से होगा, गौरव मिश्रा साहब से। गौरव मिश्रा साहब, 90 के दशक में तस्वीरें देख चुके थे, 2021 में एक बार फिर देख रहे हैं। जब 370 हटाया था तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, सबसे कहा गया था कि घाटी में एक बार फिर अमन, चैन, सुकून सब लौटेगा, शांति लौटेगी। लेकिन लौटा तो कुछ नहीं, लौटे तो वही आतंकवादी, लौटा तो वही आतंक, लौटी तो वही तस्वीरें, और लौटने को मजबूर हुए तो वही हिंदू। क्या कहेंगे? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। जम्मू कश्मीर आतंकवाद से पिछले 30-40 वर्षों से जूझ रहा है, और पहले और अब में फर्क क्या है? अब आतंकवादी अगर अब सॉफ्ट आतंकवाद है क्या, और वहां का माहौल बिगाड़ने की, मैं बताता हूं, मेरे मुझे पूरा बोल लेने दीजिए। ठीक, अब यदि आतंकवादी वहां पर सर उठाते हैं तो 5 घंटे के अंदर में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है, और पिछले 9 इनकाउंटर में 15 आतंकवादियों को मार गिराया गया, तो उनको जवाब भी देने का काम हमारी सेना और पुलिस कर रही है, और बहुत पेशेवर तरीके से कर रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर, आपको पता है, कश्मीर आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, बॉर्डर पाकिस्तान के साथ तो लगता नहीं है, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ। रुकिएगा, रुकिएगा गौरव मिश्रा साहब, आप शायद मेरी बात को गलत ले गए। गौरव मिश्रा साहब, आप शायद मेरी बात को गलत ले गए। गौरव मिश्रा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 90 के दशक में ये जो खूनी खेल था खूब देखा गया, हिंदुओं ने पलायन किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज एक बार फिर आतंकवाद पैर ही क्यों पसार रहा है? जब वो मार देते हैं फिर आप उन्हें मार देते हैं, पीठ थपथपा लेते हैं, ये पीठ क्यों थपथपा रहे हैं आप अपनी, ये बताइए, ये लोग मर ही क्यों रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि इनको मारा तो हमने भी मारा, भैया कश्मीर को, कश्मीर में खून की नदियां नहीं बहानी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आतंकवाद वहां पैर पसार ही कैसे रहा है, जब आपकी जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, वो इतनी मजबूत है, तो पैर कैसे पसार रहा है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा दे पाना, वो भी एक सामान्य व्यक्ति को सुरक्षा दे पाना, किसी भी स्टेट के लिए संभव नहीं है, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे, कश्मीर जैसे क्षेत्र में, जहां पे पूरी की पूरी, मतलब आप मानते हैं कि आप सुरक्षा नहीं दे सकते, आप मानते हैं कि आप आतंकवाद का खात्मा नहीं कर सकते? पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी मैं आपकी पहली बात में ही वो बात नहीं निकल कर सामने आपका जवाब दूंगा। मैं बता रहा हूं, हमारी सेना, हमारी पुलिस है जो इतने कम समय में, सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर में चुन चुन कर सबको मौत के घाट उतार दिया, उनको वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना चाहिए था, और पहले ये नहीं होता था। जो दहशत का माहौल आतंकी फैलाते थे उसमें उनको खुली छूट मिलती थी, और आज ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको करारा जवाब मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा।
नहीं, सेना का शौर्य का क्रेडिट आप मत लीजिए, मैं जानना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इंटेलिजेंस में कमी है? कहीं ना कहीं आप पहले ही क्यों नहीं पकड़ पा रहे, पहले ही आप क्यों नहीं कमर तोड़ रहे इस आतंकवाद की, आप पहले ही क्यों नहीं इंटेलिजेंस की मदद से, LIU की मदद से आप पहले इन चीजों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? देखिए, कोई इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ना हमारे सेना के शौर्य में कमी है, किसी भी प्रकार की प्रशासनिक चूक नहीं है। ये दहशत फैलाने का एक कुत्सित प्रयास है कश्मीर के अंदर में, और जो आतंकी इस काम को कर रहे हैं, जो दो तीन संगठन नए बनाए गए हैं उसके द्वारा जो किया जा रहा है वो चिन्हित है, एक एक व्यक्ति उसमें चिन्हित है, और हमारे सेना के, हमारे पुलिस के अधिकारी उनको उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और लगातार पहुंचा रहे हैं। उनके लिए ये आतंकवाद बहुत महंगा पड़ रहा है और बहुत महंगा पड़ने वाला है, जिसको वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये खेल लंबा इनका नहीं चल सकता। और ये इसलिए इनका मनोबल बढ़ा, तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान में पांव पसार रहा था, इन्हें लगा कि हम भारत के अंदर में, कश्मीर के अंदर में भी इसी तरह से भारतीय सेना को परेशान करके और दहशतगर्दी मचा करके यहाँ के हालात को खराब कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे उनको करारा जवाब मिल रहा है। ये अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पुलिस और हमारी सेनाएं उनके खिलाफ उसी प्रकार से जवाब देंगी। ठीक है, जवाब शायद आपको भी मिल जाएगा अगर आप रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देख सके कश्मीर की। आपको पता है हिंदू एक बार फिर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं, हिंदू एक बार फिर पलायन कर रहे हैं कश्मीर से, और 370 हटाने का फिर क्या फायदा हुआ? आतंकी पलायन, आतंकी वहां पर लोगों को बसाने की बात कर रहे थे, ये तो लोग पलायन करने लगे, आतंकी ऊपर जाएंगे। ये तो एक सुनियोजित साजिश है आतंकियों की, वहाँ आतंक, अरे आतंकी जहन्नुम में जाए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू तो पलायन करने को मजबूर हो गया, आप उनको बसाने की बात कर रहे थे, वो पलायन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है कि नहीं? बस रहे हैं और बसेंगे भी। कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपराध मुक्त है, मुझे ये बताइए, चाहे वहाँ पे भाजपा की सरकार हो या ना हो, सभी स्टेटों में सभी जगहों पर 100% अपराध मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन कश्मीर टारगेट पे इसलिए लिया जाता है कि कश्मीर में 370 हटाया गया और 370 वापस फिर बहाली के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है भारत के अंदर में। वो कैंपेन चला रहे हैं, मतलब आपका फेलियर है, सरकार का फेलियर है, राइट? लेकिन वो सफल नहीं होना है, तो सफल नहीं होगा। सरकार की सफलता ही है कि एक एक आतंकी चूट करके उनको ठोका जा रहा है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। नहीं, ठोको नीति ठीक है, ठोको नीति ठीक है, लेकिन इसके चलते आम लोग भी मर रहे हैं, तो ऐसी ठोको नीति किसी को नहीं चाहिए, आपको मुबारक हो। दूसरी बात, एक और चीज समझिए, ये सरकार का फेलियर है कि नहीं है? आप कह रहे हैं 370 हटाया इसलिए आतंकवाद पैर पसार रहा है, वो कैंपेन चला रहे हैं, तो ये आपका फेलियर है। 370 हटाया गया था कि आतंकवाद की कमर टूटे, आतंकवाद कमजोर है, आतंकवाद को खत्म करना है। आप गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए, आप मेरे बात का गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए। मैंने कभी नहीं कहा 370 हटाया गया है तो आतंकवाद फैल रहा है। आपने कहा कैंपेन चलाया जा रहा है, उसी को लेकर नाराज है, उसी को लेकर कैंपेन चला रहे हैं। स्टोन बिल्डिंग खत्म हो गई, आप देखिए पत्थरबाजी खत्म हो गई, बुरहान मानी, अरे गोली चल रही है साहब, वहां पर पत्थरबाजी का क्या करेंगे? पत्थरबाजी नहीं हो रही ना, गोली चल रही है। किस स्टेट में गोली नहीं चलती? कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपराध मुक्त हो गया 100%? और कश्मीर में ये हिमाकत की आतंकियों ने तो उनको उनके अंजाम, आप फंस गए, आपको नहीं लगता आप फंस गए? आपको नहीं लगता कि आप फंस गए? खुद की पोल खोल रहे हैं आप, किस बात के फंस रहे हैं? आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं कश्मीर के मसले को? कश्मीर के मसले को आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं कि आप अन्य स्टेट्स में देखिए गोली चलती है? जवाब हमारी सेनाएं दे रही है। नहीं, कश्मीर के मसले को आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं कि अन्य स्टेट्स में देखिए गोलियां चलती है? गोलियां कौन से स्टेट में नहीं चलती, कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप? आप खुद की पोल खोल रहे हैं, आप सरकार की पोल खोल के रख दिया आपने। थोड़ी देर और रुकेंगे तो आप पूरा का पूरा कच्चा छिट्टा सामने रख देंगे, इसलिए रुकिए, चलिए ठीक है, आपको थोड़ा विश्राम देता हूं। आप ये बोलिए ना कितने आतंकी मारे गए, आप 1990 का वो तक याद करिए, जिस तरह से वहां से 5.5 लाख हिंदू हटाए गए और इतनी आतंकवादी घटना। साहब एक बात सुनिए, 90 के दशक, साहब एक बात सुनिए, गौरव मिश्रा साहब एक बात सुनिए, 90 के दशक में कितने आतंकवादी मारे गए इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन 90 के दशक में कितने हिंदुओं ने पलायन किया इस पर बात की जाती है, ठीक है ना? एक सप्ताह अंदर में उन आतंकियों को दिया गया, ये आपको नहीं दिखा, सारे आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया है, हमारी सेना मार रही है, और जो सीक्वेंस लोग होंगे उनको वही पहुंचाया जाएगा। आप इस पर भी उठाइए बात, इसको भी उठाने की आवश्यकता है, इस विषय को भी, ठीक है, चलिए काफी हो गया। वकार एच भट्टी साहब हैं, काफी देर से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खुश तो बहुत होंगे वकार साहब, जो चाहते थे वही कुछ हो रहा है? जी, खुश है, चलिए, खुश तो वो लोग होते हैं जिनके
जितना है और चुनाव बहुत नजदीक है उत्तर प्रदेश में, तो वो लोग तो बहुत खुश है कि पॉलिटिकल एक उनको बहुत बैठे बैठाए प्लेट में खाना बिरयानी मिल रही है, तो उनको तो अच्छी तरीके से बिरयानी पकानी है अभी एक दो महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो पकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश इसलिए हूँ, मैं आज खुश इसलिए हूँ कि भाजपा के लोग जितना झूठ भारत की आवाम को पहले बोलते थे आज बेनकाब भी हो रहे हैं। आपको पता है कि जब 370-35A को खत्म किया गया, मैं दिल्ली में था और मुझे वो दिन याद है जब पूरे देश में भाजपा के लोग जश्न मना रहे थे कि आज जम्मू कश्मीर आजाद हो गया। तो मुझे नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर आजाद किससे हुआ, मुझे ऐसा बता रहे थे कि देखिए अलगाववाद हुर्रियत पाकिस्तान से हमने आज जम्मू कश्मीर को आजाद करवा दिया है। तो भैया अगर जम्मू कश्मीर को आपने 2019 5 अगस्त को आजाद करवा दिया था तो आज ये जो किलिंग्स हो रही है ये किसने की है? ये दिल्ली से फिर आप ही के लोग करवा रहे हैं किलिंग, क्योंकि आपने तो आजाद करवा दिया, आपने पाकिस्तानियों से आजाद करवा दिया, आपने अलगाववादियों से आजाद करवा दिया। तो भैया अब ये जो कश्मीर जो सिविलियंस को मार रहे हैं को मार रहे हैं जो किलिंग हर दिन कभी यूपी का कभी बिहार का कभी कश्मीरी पंडित कभी कश्मीरी मुस्लिम हर दिन लोगों की जाने जा रही है, तो कहां से जा रही है? उसके बाद इन्होंने बोला जी देखिए जी हम तो मिलिटेंटों को भी मार रहे हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ 8 दिन हो गए पीर पंजाल में। किसको मिलिटेंट नहीं आतंकवादियों को मार रहे हैं, इन्होंने कहा आतंकवादियों को मार रहे हैं। ओके सुनिए तो सही, 8 दिन हो गए इनकाउंटर में पीर पंजाल पुंछ में 9 सेना के जवान मारे जा चुके हैं, एक मिलिटेंट इन्होंने मारा। ये कहते हैं वो 8 मारते हैं हम 10 मारते हैं। आप है किसकी तरफ? आप पहले अपना पक्ष रखिए। नहीं एक सेकंड, आपकी बातें जो है बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है। आप है किस तरफ? आप भारत की तरफ है कि आप पाकिस्तान की तरफ है? क्योंकि आप मिलिटेंट शब्द का यूज कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, ठीक है। मैं हक की तरफ हूँ, मुझे हंसी आ रही है भाजपा के लोगों पे। आप उनकी बोली मत बोलिए, जो लोग मार जो लोग कत्लेआम कर रहे हैं जो लोग बिल्कुल नहीं बिल्कुल मैं आप पर आऊंगा राजीव जी, मैं आप पर आऊंगा राजीव जी, मैं आप पर आ रहा हूँ, बस इनसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए। हम थोड़ा सा एक पहली बात जहाँ हम स्पष्ट कर लेना चाहते हैं, राजीव जी बोलिए, पूछे है उसका जवाब, आप जो पूछे उसका जवाब नहीं दिए हैं। वकार जी के नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, इनका स्थान बताया जाए, पाकिस्तान से है या बांग्लादेश से है? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरी जान। किस जम्मू कश्मीर से? जो पाक अधिकृत में है या जिसको हमने अपने साथ मिला रखा है, जो हमारा अपना आज भी अपना है और जो डकैतों के हाथ में है उस कश्मीर में? किस कश्मीर में, किस कश्मीर की बात कर रहे हैं आप? मैं उसी जम्मू, आप आतंकवादी की भाषा बोलते हैं, आप ऐसे आप आतंकवादी की भाषा बोलते हैं। आपने कहा कि दिल्ली से यही लोग मरवा रहे हैं, आपने सेना के ऊपर प्रश्न किया है। आप वही लोग हैं जो पाकिस्तान के एजेंट बन करके भारत में बैठे हैं, आपकी बातों से यह स्पष्ट हो रहा है। मुझे आपके चेहरे से लगता है कि आप जो गाय के नाम था मुसलमानों को मारते हैं आप उसी टीम से हैं। हमारा बस चले तो आप जैसे बोलने वालों के जीव काट लूं मैं। नहीं, राजीव जी रुके, भाषा की थोड़ी सी मर्यादा, ये बोल रहे दिल्ली से मरवा रहे, आप भाजपा को टारगेट कीजिए, किसको करना करे, लेकिन किसी जो हमारे देश के, सुनिए सुनिए सुनिए, आप स्थिर रहिए, आतंकवादी की भाषा बोलने वाले, आतंकवादी की भाषा नहीं चलेगा। दिल्ली से आप क्या बोल रहे हैं? जो की दुकान बंद हो गई है इसलिए सेना के द्वारा वकार जैसे लोग लाइव शो में बताइए। अरे इन लोगों को 47 में वहां भेजा नहीं गया, यही गलती है कि आज ये दलाल लोग यहाँ करके पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सारा बोलने दे क्या मतलब है, क्या मतलब है? आप ऐसे बोल सकते हैं कि दिल्ली से जो गोली चला रहा है, जो हमारा सेना जो आतंकवादी को मार रहा है, वो दिल्ली से कम से कम भारतीय टीवी दिल्ली से कराया जाए? ये दिल्ली से हो रहा है? पाकिस्तान की पैरवी कर रहा हो, आतंकियों की पैरवी कर रहा हो और उन आतंकियों का जिम्मेदार भारत की सरकार, ठीक है चलिए ठीक है तैयार है और कुछ नहीं है, बोलने दीजिएगा। नहीं रुकिए, आप रुकिए, वकार साहब आप रुकिए, आपने जितना बोलना था बोल लिया, ठीक है इतना बहुत है आपके लिए, आज के लिए काफी है, बहुत बोल लिया आपने। अरे ये अभी अभी बोलेंगे, ये गोली चलाने वाले लोग हैं, ये गोली चलाने वाले, बम चलाने वाले, दहशत गर्दी फैलाने वाले लोग हैं, ये बैठेंगे नहीं, ये ऐसे बोलेंगे। हमारा हैसियत का परचम लहरा रहा है, जो तुम बौखला रहे हो ना,
जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, हमारे हैसियत का परचम लहरा रहा है। भाई मेरे कहां से हो तुम? मैं भारत से हूँ, मैं भारत से हूँ, मैं भारत से हूँ, भारत से, भारत से। इतना काफी है कि मैं भारत से हूँ। भारत कहाँ से? भारत कहाँ से? भारत कहाँ से? भारत कहाँ से? भारत से। भारत को बांटने की कोशिश मत करो, मैं भारत से हूँ। कश्मीर हमारा है, हम भारत से हैं। नहीं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, कश्मीर हमारा है। क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश हमारा। चले छोड़िए, रुकिए। भूदेव साहब है, बहुत देर से देख रहे हैं। भूदेव साहब भी है, अरे हमारे साथ भूदेव साहब भी है, बहुत देर से देख रहे हैं। रुकिए एक मिनट, रुकिए रुकिए। भूदेव साहब भी रुकिए। अरे यूपी के लगते हो मुझे? आप मुझे यूपी के लगते हो? यूपी मेरा ससुराल है, मेरी मेरी वाइफ यूपी की है, मुझे पता है यूपी वालों की भाषा यही होती है, ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं? अपने ससुर जी की बात कर रहे हैं। ससुर जी की बात कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं यूपी में मेरी ससुराल है, फिर कह रहे हैं कि वहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। रुकिए, ठीक है, आपका घरेलू मसला है, यहाँ मत चर्चित करिए इसको, छोड़िए। ससुर जी के बारे में बताइए, चले भूदेव जी के पास आ जाएंगे। रुकिए, कोई भारत वंशी चुप ना बैठेगा। बड़ा सेना का दल्ला इधर आके लाइन ऑफ कंट्रोल में मार आके उधर से यूपी से चिल्ला रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल में आके खड़ा हो, पता चलेगा पतलून में गीली हो जाएगी। ज्यादा बकवास। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वकार 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 वकार, मेरे सेना के चार भाई है मेरे, तो मुझे सेना उसका के चार भाई है। पाकिस्तान का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट तुम हो, पाकिस्तान का एजेंट दलाल, तेरे जैसे रोज आते तुम्हारे। अरे रुकिए रुकिए, दोनों रुकिए, बस 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 बस, दोनों लोग रुकिए, रुके, अब रुक जाइए। राजीव जी थोड़ा सा रुकिए, राजीव जी रुकिए, वकार साहब आप भी रुकिएगा, भूदेव साहब है हमारे साथ, भूदेव शर्मा जी हैं, भूदेव शर्मा जी हमारे साथ हैं, ठीक है, अब रुकिए। ठीक है, आप लोग रुकिए, वकार साहब और राजीव जी, आप लोग रुकिए, और भी लोग चर्चा में शामिल है, आप लोग रुकिए, जरूर बोलने का मौका दीजिए। रुकिए आप, वकार साहब आप रुकिए, वकार साहब, राजीव साहब, आप दोनों रुकिए, चर्चा में और भी लोग शामिल है, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। चलिए, अब मैं सीधे भूदेव शर्मा जी के पास आना चाहूंगा, भूदेव शर्मा साहब खींच के काटते हैं, जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं ना बेटा, खींच के काटते हैं। यही समस्या है, आप दोनों लोगों को अगर सामने बैठा दिया जाएगा तो एक दूसरे के कान ही पकड़ेगा। चर्चा हो रही है, सोल्यूशन में होनी चाहिए बातचीत। आप दोनों लोग एक दूसरे के कान में पकड़िए, थोड़ी देर रुकिए, हर किसी को राइट टू स्पीच है। रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, हर कोई अपनी बात रखेगा। भूदेव शर्मा साहब बहुत देर से आप आपको रुकिए। राजीव जी, ये कोई लड़ाई का अखाड़ा नहीं है, कोई चाय की दुकान नहीं है। राजीव जी रुकिए, सर्च कर ले, मारूंगा, मेरे बोला ना मारूंगा तेरी कसम, मैं यूपी में आ गया। अरे यार रुकिए, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, क्या बहस कर रहे हैं? मारूंगा, रुकिए आप, मारूंगा ऊपर वाले की कसम। अरे बुड़के वाली के औलाद, औकात में आके बात कर, ये भवानी का बेटा है। अरे भाई रुकिए, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, अरे बहस की मर्यादा रखिए भाई, कुछ रुकिए आप लोग, रुकिए, इनकी आवाज कम करिए, सभी की ऑडियो डाउन करिए, सभी की, ये सब मत करिए भाई। वो आपको तिलमिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तिलमिलाइए, और राजीव जी आप वही कर रहे हैं। रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब सिर्फ सबका ऑडियो डाउन करिए, सिर्फ भूदेव साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। भूदेव, किसी का ऑडियो नहीं आ रहा, आप कितना भी बोलते रहिए, किसी का भी ऑडियो नहीं आ रहा है। सिर्फ भूदेव साहब से बात करूंगा मैं, किसी का भी ऑडियो नहीं आ रहा है, ठीक है? भूदेव साहब का ऑडियो खोलिए केवल, ठीक है? भूदेव साहब, मैं ये जानना चाहता था, तो आप पर्सनली जाइए लड़िए, या देश के मुद्दों पे बात हो रही है तो उनसे बात कीजिए ना, आतंकी जवाब दीजिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर आप एक चैनल पे करते हैं तो मैं मानता हूँ कि ऐसे प्रवक्ताओं को, ऐसे लोगों को चैनल वालों को बुलाना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत भाषा का प्रयोग है, सुनिए, कोई हमारे से भूदेव जी ठीक है, भूदेव जी हमारे सेना के ऊपर बोलेगा हम चुप रह जाएंगे, हम आप जैसे लोग नहीं है। आप कांग्रेस से है ना, आपको उनकी दलाली पसंद आएगी आपको, आप लोगों ने इन दलालों का मन बना रखा है। इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ऐसे मत लड़िए, ये समझिए राजीव जी, समझिए राजीव जी, आप थोड़ा रुकिए, राजीव जी थोड़ा सा रुकिए। अब आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब?
भूदेव साहब, अब आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपसे ही उम्मीद नहीं है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए थोड़ा सा। आपकी पार्टी इतने साल सत्ता में रही है, जो भी किया धरा है आपकी पार्टी का ही दिखा रहा है, आपकी पार्टी का ही दिया हुआ सामने है। आप अपनी पार्टी की जवाबदेही रखिए। ये व्यक्ति हथियार दिखा रहा है चैनल पे आके, शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग ये जो आतंकवाद को फैलाते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं ये लोग, इन लोगों की वजह से आज हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। 70 साल आपकी पार्टी ने राज किया, 70 साल आपकी पार्टी ने राज किया, और जिन राजीव जी को आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, उनकी उम्र 40-50 साल होगी, आपकी पार्टी ने क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करी आज तक? 90,000 गिफ्ट कर दिए, 54 सैनिक छुड़ा नहीं पाए, आप देश की बात कर रहे हैं। 93,000 पाकिस्तान के एजेंट भारत के अंदर ये लोग हैं। जैसे ही चुनाव आता है, राजीव जी आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ आवाज आ रही है, आप अंधेरे में कहां बैठ के बोल रहे हैं? हाँ, एक मिनट बताइए, मत घबराइए, उजाला करिए, उजाले में आइए राजीव जी, उजाले में आइए। अरे रुकिए, अरे भूदेव साहब, अरे भूदेव साहब, बीपी हाई नहीं करते चैनल में, बीपी हाई नहीं करते, बीपी नॉर्मल रख के बात करिए। अब रुकिए सब लोग, अब सब लोग रुकिए, भूदेव साहब से बातचीत करूंगा। आतंकवादी फंडिंग नहीं होता, इसलिए लाइट नहीं है। अरे राजीव, तुम लोग को पाकिस्तान से फंडिंग होता है ना, पाकिस्तान का दलाल। दिन नदियां पे थोड़ा सा दिया तुम्हारा, कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं, रुकिए आप। कश्मीर की समस्या को लेकर भी होता था एक समय। अरे गौरव जी आप भी रुकिए, भूदेव साहब ये बताइए कि आपकी पार्टी इतने साल सत्ता में रही, आपकी पार्टी ने वो मूल चूल सुधार करने की कोशिश क्यों नहीं की कि कश्मीर में आज भी वही हालात फिर देखने को मिलते हैं? 90 के दशक में वही चीजें थी, वही मैं बताने की आप सत्ता में हुआ करते थे। 90 के दशक की, और गौरव जी के सवालों का भी मैं जवाब दूंगा कि ये आपकी सरकार में तो मार मार के भगाया गया था हिंदुओं को, आपकी सरकार में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ, आपकी सरकार में मार कर भगाया गया, आपकी सरकार में पूरा कश्मीर जला, कश्मीर में खून की नदियां बही। हम लाइट की व्यवस्था करते हैं, आप किस चीज से बोलेंगे भूदेव साहब? हम लाइट ऑन करते हैं। 90 में सरकार किसकी थी जब वहां से हिंदुओं को भगाया गया? बार बार ये सवाल उठा रहे हो आप लोग। भाजपा समर्थित सरकार थी वहां, भाजपा 91 92 93 94 95 किसकी सरकार थी, मुझे बताना पड़ेगा, ये आपको पता है? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, नहीं मुझे बताना पड़ेगा कि आपको पता है या भूल गए? सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य, आज देश का दुर्भाग्य ये है कि आप लोग डाटा सही से यूज नहीं करते हो। ये वो लोग है जो चुनाव आने से पहले पाकिस्तान आतंकवाद का डर दिखाते हैं, ये हर बार क्यों होता है? आज 5 राज्यों में चुनाव है। आप तो पाकिस्तान के साथ गले मिलते थे, आप तो पाकिस्तान के साथ हैंडशेक करते थे, आप तो कार्रवाई भी नहीं करते थे, ठीक है? मुंबई हमले हुए, आपने तो कार्रवाई भी नहीं की, क्या मिला? गांधीवादी कार्रवाई भी नहीं करते थे आप, क्या मिला? यहाँ कश्मीर के लोगों को भी दिल से जीतना पड़ेगा, कश्मीर भी हमारा पार्ट है, कन्याकुमारी तक हमारा देश है। कैसे जीतेंगे? 70 साल में दिल से क्यों नहीं जीत लिए? 70 साल से दिल से क्यों नहीं जीत लिए? कश्मीर को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। 70 साल आजादी से पहले भी इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, और आज भी ये लोग गुलामी लोग हैं। ये लोग इस देश में अमन चैन नहीं लाना चाहते हैं, ये देश के लोगों को बांट करके सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आपके कांग्रेस का पंजाब का सीएम बोलता है कि आपका कांग्रेस का सिद्धू पाकिस्तान का एजेंट है, कांग्रेस पाकिस्तानी एजेंट है। गृहमंत्री क्या कर रहा है? तुम्हारा गृहमंत्री, हमारा गृहमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। अरे आप सब लोग लड़ते रहेंगे आपस में, वकार भट्टी साहब पूरा नाश्ता खत्म कर जाएंगे। चलिए वकार जी पर आता हूँ। बेटा ये गोबर खाना पड़ेगा, बेटा बेटा ये गोबर खाना पड़ेगा, हलाला की औलाद। और राजीव जी नहीं, राजीव जी रुकिए, राजीव जी रुकिए, इनके ऑडियो डाउन करिए, राजीव जी इसको, राजीव जी की ऑडियो डाउन करिए, राजीव जी की ऑडियो डाउन करिए। नहीं बिल्कुल भी ये शब्द बिल्कुल भी टीवी पर आप नहीं बोल सकते। नहीं राजीव जी, अगर आप यही शब्द बोलेंगे, यही शब्दावली का प्रयोग करेंगे, तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है, फिर माफ कीजिएगा। नहीं आप इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते टीवी पर, आप बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल आप इस तरीके के भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। राजीव जी को अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर विश्राम दे सकें, आराम दे सकें, तो उनको कनेक्टिविटी से हटा सकते हैं, ठीक है। नहीं राजीव जी, इस तरीके के शब्द आप नहीं प्रयोग कर सकते टीवी पर, माफ कीजिएगा। मेरा नोट कर, बिहार का वैशाली का रहने वाला तेरा बाप है। इनका ऑडियो डाउन करिए जी, ठीक है, इनका ऑडियो डाउन करिए। राजीव जी आपसे आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं, अगर आप तहजीब के साथ पेश आएंगे तो आप इस डिबेट का हिस्सा बने रह सकते हैं, वरना माफ कीजिएगा मुझे आपसे इस डिबेट से अलग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गौरव मिश्रा साहब के पास आएंगे, ठीक है, सबको ओपन करिए, गौरव मिश्रा साहब के पास आएंगे। राजीव जी आपसे माफी के साथ कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरीके से भाषा का उपयोग करेंगे, तहजीब के साथ अगर आप बातचीत नहीं कर सकते तो माफ कीजिएगा, टीवी पर यह भाषा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए गौरव मिश्रा साहब के पास आएंगे, गौरव मिश्रा साहब जी, गौरव मिश्रा साहब ठीक है। बीते 16 दिनों में क्या कुछ हुआ सभी ने देखा, किस तरीके से लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इसका इलाज ये नहीं है कि सेना बाद में एनकाउंटर कर रही है, सेना बाद में मार रही है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि कश्मीर के जो आम लोग हैं वो भी मर रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो बाहर से जो लोग गए हैं वो भी मर रहे हैं, उसके चलते वहाँ पर पलायन की स्थिति बन गई है, चीज़ें एक बार पूरी तरीके से दोबारा से डिसमेंटल हो चुकी हैं, कश्मीर में भागम भाग मची हुई है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं, घर खाली करके भाग रहे हैं, जो लोग वहाँ पर व्यवसाय करने के लिए गए थे वो भी भाग रहे हैं, जो वहाँ पर मजदूरी करने गए थे मजदूर उनको भी वहाँ पर डर के साए में जीने को मजबूर होने के बाद अब उनको भागने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। इस पर अभी आपकी तरफ से क्या कुछ है कहने के लिए, कुछ है? जी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, पहली बात तो आपने ये जो कहा कि कश्मीर के आम लोग मारे जा रहे हैं, तो पहली बात कि आम लोग नहीं मारे जा रहे हैं, कश्मीर के वो लोग मारे जा रहे हैं जो भारतीय हैं, जो भारत से प्रेम करते हैं, जो भारत के लिए लड़ते हैं, कश्मीर में चुन चुन करके कुरान का नहीं, कश्मीर हमारा ही पार्ट है ना। रुकिए एक मिनट रुकिए गौरव जी, एक मिनट रुकिए गौरव जी, एक जियोग्राफिकल एक बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी रह रहा है वो भारतीय ही है, ठीक है। बिल्कुल आप सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते ना कि ये भारत से प्रेम करता है नहीं करता है, नहीं आप सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते। एक भारतीय को तो आपने भी यहाँ बैठा रखा है जो पाकिस्तान की पैरवी कर रहा है, पाकिस्तान की गद्दारी की बात कर रहा है, पाकिस्तान के एजेंट जगह जगह स्लीपर सेल बैठे हुए हैं देश भर में, शुगर का औलाद है। वो स्लीपर सेल की आवाज इसलिए बंद हो गई है, इसलिए बंद हो गई है क्योंकि एक ऐसी सरकार है कि अगर जवान खोले तो जवान काट ली जाएगी। जब आपको पता है कि वो स्लीपर सेल के हैं तो वो क्यों बैठे हुए हैं? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि स्लीपर सेल के आदमी है, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए बातें मत कीजिए। रुकिए एक मिनट गौरव मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए, जनता को मूर्ख मत समझिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए बातें मत कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ सीधे आप आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं, तो आप क्यों इनको गिरफ्तार करते, क्यों नहीं गिरफ्तार करते? जनता को मूर्ख मत बनाइए, जनता को मूर्ख मत बनाइए। क्या जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? आप साथ में यह भी कहिए कि इतने आतंकियों को हमारी सेनाओं ने मारा है, यह भी समाचार क्यों नहीं प्रेषित करते? इस समाचार को भी प्रेषित करने की आवश्यकता है। इसलिए एक तरफा कैंपेन नहीं चलेगा। क्या करूं, आपकी तरफ से बात करूं, न्यूज एजेंडा आपको ना बुलाऊं, आपकी तरफ से मैं बैठ जाता हूं। रुकिए आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, आप नहीं सिखाएंगे मुझे। आप रुकिए गौरव जी आप पहले खुद सीख लीजिए आपको क्या बोलना है क्या नहीं। आप रुकिए एक मिनट, रुकिए गौरव जी, रुकिए शांत जी बोलिए, ठीक है, रुकिए गौरव जी। मैं ये कह रहा था कि आप अगर किसी पर आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर कि ये पाकिस्तान का एजेंट है, पाकिस्तान का स्लीपर सेल है और आप ही की सरकार है, तो आप क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हैं? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनता को मूर्ख बना रहे हैं? आप मेरे सामने कह रहे हैं, आप चैनल पे कह रहे हैं, आप चैनल पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एजेंट है, पाकिस्तान के स्लीपर सेल है, तो ये घूम क्यों रहे हैं, ये फ्री क्यों है? फ्रीडम, ये फ्रीडम, इन्हें ये कौन सी फ्रीडम है भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर पाकिस्तान के एजेंट को, आतंकवादी को फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सी होती है भाई? देश के टुकड़े करने का कैंपेन चलाया गया कि नहीं चलाया गया? आज भी चलाया जा रहा नहीं चलाया जा रहा है? और कौन लोग उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? और कश्मीर के अंदर में यदि हमारे निरीह भारतवासी अगर मारे गए हैं तो उनको छोड़ा भी नहीं गया है जिन्होंने मारा है, उनको छोड़ा भी नहीं गया है।
उनको भी मारा जा रहा है और उनकी पूरी चेन, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो पीओके के अंदर हो, उसको भी हमारी सेनाएं नष्ट कर देंगी। अंबानी गृह मंत्री जी ने बहुत डंके के चोट इस बात को कहा था, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि जरूरत पड़ी तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक होंगे। और यह मत भूलिए कि पिछले 70 साल में ये पहला मौका था जब भारत की सरकार ने यह मानता पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में हमला किया, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक किया। आप इसको भी ध्यान में रखकर के कोई बात नहीं, हमारे एक एक ठीक है। भूदेव जी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है भूदेव जी बहुत कुछ देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है रुकिए भूदेव जी बहुत देर से कहने की कोशिश कर रहे। मैं गौरव जी के सारे सवालों का जवाब दूंगा, उसके बाद ही मैं आगे कुछ कहूंगा। बार बार ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेते हैं तो मैं इनको बता दूं कि आपने नहीं करी थी, सरकार बना ली। सुनिए पहले, सर्जिकल स्ट्राइक 2014 से पहले भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। और किस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक थी ये पूरा देश जानता है। सुन लीजिए आप, गौरव जी रुके। आज देश में कोई भी सवाल उठाता है सरकार पे तो ये बोलते हैं कि स्लीपर सेल है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। अभी इन्होंने कहा कि सिद्धू जी को देशद्रोही बोल दिया, इनको स्लीपर सेल बोला। तो आप सरकार चलाने में विफल हो, आपने कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला, तो आप अकड़ क्यों? कन्हैया कुमार का आपने स्वागत कर लिया, ठीक है ठीक है। गोदी में आ गया ना देशद्रोही, आपके जो देशद्रोही इधर उधर रहता है वो आपके गोद में चला ही जाता है। कांग्रेस की गोद खाली है देशद्रोहियों के लिए। अरे तो सरकार क्या कर रही है, पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालते आप देश के लोगों को? पार्टी फिलहाल वो आपकी पार्टी को बचाने निकला, ठीक है रुकिए। बोफोर्स को दुनिया नहीं भूली है, देश बेचने वाले लोग आज देश की बात करते हैं। पूरी तरह नाकाम हो गई है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और ये पूरे देश को भी जानना पड़ेगा कि ये सरकार केवल और केवल देश को टुकड़े टुकड़े करने में डटी हुई है। क्योंकि सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े के ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। क्यों? क्योंकि आज आप लोगों से कोई भी सवाल करता है आप केवल उसे देशद्रोही बोलोगे, पाकिस्तानी बोलोगे, हिंदू नहीं बोलोगे। आप लोगों ने देश को बांटने का काम जो करोगे वही बोला जाएगा। ये देश गांधी के विचारों का देश है और यह गांधी के विचारों के देश के लोग। अरे गांधी के विचारों के देश में गांधी की मंशा थी कि देश की आजादी के बाद। आपने अभी अभी कहा, आप सुनिए इनकी भाषा, कि आपने कहा कि कश्मीर में केवल हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां पर रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आतंकवादियों के द्वारा मारा। पलायन कौन कर रहा है? तो हमारे देश के लोग है ये लोग, आप हमें प्रमाण नहीं दोगे कि कौन हिंदू है? भूदेव जी, अगर गोली माथे पर रख के बंदूक पूछा जाएगा कि अपना धर्म बताओ और धर्म पूछकर अगर गोली मारी जाएगी तो धर्म पर भी चर्चा होगी। पलायन कौन कर रहा है ये भी बात होगी। और आपकी सरकार में कश्मीरी पंडित कहां से पलायन करने को खोल दी है? आप आज भी इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को, आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं इस चीज? ये आतंकवादी की भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस की जमात से है ना। मोदी जी से पूछिए कि 2 अक्टूबर को क्यों सर झुकाने जाते हैं अगर चरखा से आजादी। नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान की फटती है। अरे रुकिए, कांग्रेस की फटती है। देश का आतंकवादी था गोडसे, आतंकवादियों के नाजायज बीजों को फटती है। अरे इनके ऑडियो डाउन करिए भाई, राजीव जी का ऑडियो डाउन करिए जरा एक बार फिर से, ठीक है। चलिए तो अब राजीव जी, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप शब्दों की, भाषा की जो मर्यादा है उसको बनाकर रखिए, कृपया कर। आज हम अपना बना पाएंगे। पहले देश में 70 साल में कभी नहीं हुआ कि दो राज्यों की पुलिस आपस में लड़ रही है, दो राज्यों के लोग। 70 साल में कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए हमारे देश में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दे और उसके बाद कोई रिटेलिएशन ना हो। ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये 70 सालों में ये कभी नहीं हुआ कि आतंकवाद इतना पैर पसार जाए कि वहां पर पोस्टर बॉयज बनने लगे, बुरहानवानी जैसे लोग वहां पर खड़े हो जाएं,
भारत में आकर आतंकवादी भारत के कोनों में मुंबई में टेररिस्ट अटैक्स कर जाए, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाए और कोई रिटेलिएशन ना हो, सिर्फ बातचीत हो, बातचीत हो, बातचीत हो, ऑन टेबल बातचीत हो। ऑन टेबल बातचीत का क्या करे, क्या मिला उसका, क्या मिला उसका, क्या मिला उसका ऑन टेबल बातचीत का, ऑन टेबल बातचीत का क्या मिला? पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का डर दिखाता रहा आपकी सरकारों में। अब बात करते हैं कांग्रेस की सरकार में मारा गया और कितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे देश के जवान शहीद हुए, आज कितने कितने टेररिस्ट अटैक हमारे देश में। ठीक है वकार साहब, ठीक है वकार, वकार जी, वकार साहब ये बताइए, कभी नहीं हुए। नहीं नहीं रुकिए, अब रुकिए, अब रुकिए, रुकिए, लोगों को ये डर दिखाया जा रहा है। ठीक है घबराइए नहीं, रुकिए वकार साहब ये बताइए कौन सी सरकार को आप मानते हैं। ठीक है मैं आपको इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं कि आप कॉमन कश्मीरी की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सही है, लोकल सही है, मुस्लिम कश्मीरी जो हैं आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट। आप कौन सी सरकार को समझते हैं, बीजेपी या कांग्रेस, जिन्होंने आपसे ऑन टेबल आपको लगता हो बात की हो और चीजों में सुधार की स्थिति बनी हो? पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कश्मीर एक बिजनेस है, कश्मीर की हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट वकार साहब, एक मिनट वकार साहब, एक मिनट रुकना चाहूंगा, राजीव जी 2 से 5 मिनट तक आप शांत रहेंगे कृपया कर, ठीक है। कश्मीर में जम्मू कश्मीर चाहे वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां हो या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हो, यहाँ एक तजारत की जाती है, बिजनेस किया जाता है, यहाँ सियासत नहीं की जाती है। सियासत चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर सियासत होती जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में हजारों लाखों की तादाद में जाने चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी रंग कास्ट जात बरादरी से हो, यहाँ जो भी आता है उसको पता है कि वोट पॉलिटिक्स है। अगर मैं कश्मीर के ऊपर राजनीति करूंगा तो देश में राजनीति राजनीति के ऊपर मैं वोट बैंक खत्म करूंगा, पर ये मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ सेम राजनीति पाकिस्तान में भी कश्मीर के नाम पे होती है और सेम राजनीति भारत में भी कश्मीर के नाम पे होती है। अब मैं आपसे बात थोड़ी सी कह देना चाहता हूँ, जब तक भारत में, जब तक इंडिया में ऐसे लोग रहेंगे जिनकी भाषा में मर्यादा नहीं होगी, जो किसी को भी मां बहन कर सकते हैं लाइव टीवी पे, आप कत्लेआम नहीं करेंगे, आप चुन चुन कर नहीं मारेंगे, आप डर दहशत आतंक का माहौल नहीं बनाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, वरना अगर आप यही सोचते हैं कि वायरस आप फैलाते रहेंगे तो सेना इसका इलाज करती रहेगी। हजारों लोग ऐसे हैं, अभी 5 दिन पहले ही मिसाल दे देता हूँ कि एक गुज्जर बकरवाल, एक एसटी का बच्चा जो खाने बदोश था उसको सीआरपीएफ वालों ने मारा, तो आप क्या कहोगे सीआरपीएफ वालों को, वो कौन थे, आप क्या बोलोगे उनको, वो आतंकवादी थे फिर नहीं थे, अब ये बोलोगे उनके लिए? तो मैंने आपको बोला था वार जोन, कौन किसको मारता है पता नहीं चलता, कश्मीर इसलिए वार जोन बन चुका है और उसको वार जोन बनाया जा रहा है, क्योंकि रियासत में जब भारत की हर हर रियासत में चुनाव जीतना पड़ता है तब कश्मीर में। वकार साहब आप एक बात से मेरी एक बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पाकिस्तान परस्ती तो है वहां पर, पाकिस्तान से कुछ लोग तो जुड़ाव महसूस करते हैं, कुछ लोग जो भारत में रह रहे हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान से प्रेम तो रखते हैं। अगर मेरी बात सुनिए ना, अगर मेरी मैं आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ एक बिहार से नाथूराम गोडसे की औलाद बैठ के गालियां दे सकता है तो ऐसे इधर भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक थोड़ी है, है ना? तो ये लोग तो होते हैं, कोई गाय के ऊपर मार देता है, कोई लौंड हाथ के ऊपर मार देता है, कोई लैंड, आप आतंकवाद के ऊपर मार रहे हैं, आप आतंकवाद के ऊपर मार रहे हैं, आप मानते हैं ना कि आतंकवाद है आपके अंदर, आप आतंकवाद को लेकर मार रहे हैं, आपने कहा कोई लफजियात को लेकर मारता है, कोई गाय को लेकर मारता है, आप किस चीज को लेकर मार रहे हैं? कश्मीरियत को लेकर तो आप नहीं मार रहे हैं, ये कश्मीरियत नहीं है, ये आतंकवाद ही हो सकता है। सुनिए ना लाइव टीवी चैनल पे एक बंदा बिहार का ये गोबर हथियार दिखा रहा है, ये आतंकवादी नहीं है, इसको जेल में नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर यूएल नहीं लगना चाहिए। मैं अगर चाकू दिखा दूंगा तो मेरे पे यूएल लग सकता है, ऐसे गोबर के ऊपर क्या यूएल के दफ्तर जेल में नहीं डाल सकता? पता नहीं कितने मर्डर कर चुका होगा अभी तक, ये कैसे हथियार रख के टीवी लाइव चैनल टीवी पे बताता है, ये कैसे बताता है? किसने इसको आजमाटी दी? क्या बिहार सरकार ने हर आदमी को परमिशन दिया कि वो हथियार टीवी के ऊपर दिखा सके? ये हथियार टीवी के ऊपर दिखा रहा है,
गंध खा रहा, किसी को मारने की धमकी दे रहा, तो क्या आप यहाँ पर पर्सनल कर रहे हैं? रुकिए एक मिनट, लाइव विजुअल कोई नहीं गया है हथियार का, जो कि आप बात कर रहे हैं लाइव विजुअल कोई नहीं गया है। दूसरी बात, आप दूसरी बात आप पर्सनल मत करिए, आपसे कोई बड़ी बात की जा रही है, एक सतही बात की जा रही है, आप इसको पर्सनल मत करिए, आप पर्सनल मत जाइए, नाराज मत होइए। मैं आपसे ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ठीक है, कश्मीरियत की बात तो देखिए नहीं हो रही है, तो चीजों को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा, ये आतंकवाद ही हो रहा है, ठीक है सर? आतंकवाद, आज मैं आपको एक बता देता हूँ आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद वो होता है, जैसे मैं कश्मीर का हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ और मुझे जिससे डर लगता है, मुझे अगर किसी से डर लगता है, मुझे किसी की मौत, मुझे मौत का खौफ है जिससे वो मिली। अरे आपको गोलगप्पे वाले से डर लगता है, आपको ठेले वाले से डर लगता है, आपको बिहार के मजदूर से डर लगता है, आपको एक डॉक्टर से डर लगता है, आप क्या है? आप तो कायर है बिल्कुल। भाई साहब सुनिए, भाई साहब जिसने ठेले वाले को मारा वो आतंकवादी है, जिसने गोलगप्पे वाले को मारा वो आतंकवादी है, जिसने जिसने गुजर बकरवाल छोटे बच्चे को मारा वो आतंकवादी है, राइट? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस हो गया हो गया, आपका मिल गया, मुझे आपका मिल गया, ठीक है आपका मिल गया, बस खत्म आपका मिल गया। अब ये बताइए, आप जो आतंकवादी जो आपके बीच में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आपके बीच में जो लोग रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके आप उनको सेना को पहले से क्यों नहीं बताते? सर एक बात बताइए, जब क्योंकि आपका नरम रुख है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। सर एक बात बताइए ना, मुझे इतने आतंकवादी है तो कैसे ये बताएं कि पर लोगों को मारा है, इनको आपने किसको सजा दिया अभी तक? नहीं किसी को, जो आप तो इनको फूलों की माला डालते हैं, बीजेपी के लोग फूलों की माला डालते हैं, है ना? तो ये लोग तो ओपन हथियार डालते हैं। ये बताइए आप, आपको एक बहुत, आपको एक बहुत बेसिक बात पूछता हूँ, आपने संविधान पढ़ा होगा, देश संविधान के हिसाब से चलता है, प्रधानमंत्री जो है वो आपके प्रधानमंत्री है, हाँ या ना? ठीक है, संविधान जो है आप उसको मानते हैं, हाँ या ना? जी संविधान को आप मानते हैं, हाँ या ना? मैं संविधान को आप मानते हैं, हाँ या ना? अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है, मैं आज का, अरे अंबेडकर जी वाला ही संविधान चलता है भाई, अंबेडकर जी वाला ही संविधान चलता है, यहाँ पर पाकिस्तान का आतंकवाद वाला संविधान नहीं चलता। रुकिए रुकिए, आप संविधान को मानते हैं? ये तो सारे आईन के खिलाफवर्जी काम करते हैं, संविधान को मानते हैं, ठीक है, खत्म किया गया। वकार साहब, हिंदुस्तान का क्या कहता है? वकार साहब क्या कहता है? हिंदुस्तान नाराज नहीं, वकार साहब एग्रेसिव नहीं हो जाता था? वकार साहब अगर आप चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे तो कोई फायदा नहीं, जम्मू कश्मीर की असेंबली चुने हुए लोग उसको न्याय कहते तब तक आप नहीं हटा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने बंद दरवाजे से गवर्नमेंट के हाथ से पावर से वो काम करवाया, तो आप कौन से आईन को मानते हो सर? वकार साहब, वकार साहब, वकार साहब रुकिए, समय की कमी है, सीधे पूछूंगा, संविधान को मानते हैं? संविधान को मानते हैं, हाँ या ना? हेलो, संविधान को आप मानते हैं, हाँ या ना? सर बस दो मिनट में आ रहा हूं, बस दो मिनट में। जी जी, संविधान को आप मानते हैं, हाँ या ना? सर संविधान को मैंने आपको बोल दिया, संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, पहले आप राइट, अब सुनिए तीसरी चीज सुनिए, तीसरी चीज सुनिए, तीसरी चीज सुनिए, ठीक है, तीसरी चीज सुनिए, तीसरी चीज सुनिए, तीसरी चीज सुनिए, देश के जो गृह मंत्री हैं, देश के जो गृह मंत्री हैं, रुकिए आप, देश के जो गृह मंत्री हिंदुस्तान के आईन पे चलते हैं तो इंसाफ करना सीखे, ठीक है, देश के जो गृह मंत्री हैं आपके भी इंसाफ करना सीखे, पहले इसको बिहार का कोबरा है इसको जेल में डाले, रुकिए आप फिर पर्सनल हो रहे हैं, आप फिर पर्सनल हो रहे हैं, आतंकवादी आप फिर पर्सनल हो रहे हैं, जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, मुझे इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, क्या करूं, इसको हटाओ टीवी से फिर अच्छा लगता है। चलिए राजीव जाप जाओ, राजीव जाप जाओ, सॉरी सर मुझे ना फोन, नहीं नहीं आप सुनकर जाइए, सुगर सुन लो सुगर सुन लो, गोबर की बात को सुन लो, हमारे लिए गोबर बहुत पवित्र होता है, खा लिया कर यार ब्रेकफास्ट में, हाँ बिल्कुल 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 खाएंगे, शुगर तुम्हारे तुमको शुगर खिलाएंगे और खुद गोबर खाएंगे, तुमको शुगर खिलाएंगे, वो भी तुम्हारे में हलाल है, तुम्हारे में खाना जायज है, मेरे में जायज नहीं है, हम उसको हराम बोलते हैं, हम उसका नाम लेंगे 40 दिन जबान गंदी हो जाती है। देखिए ये आतंकवादी है, नाम लेने से 40 दिन इसका, इसके इस सोच से आप आगे देख सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा आतंकवादी है जो शुगर बोलने से 40 दिन हराम हो जाता है। और बम रखने से गंदा नहीं होता ईमान, गोली चलाने से ईमान गंदा नहीं होता, मेरे मुंह में बम डालेगा, पिछवाड़े में बम लग रहा है, पिछवाड़े में बम, रुकिए रुकिए, चलिए रुकिए, डर लग रहा है ना,
आप लोग कहां बहस खुले जाते हैं, तार्किक और बहस होनी चाहिए। हमको आपने पांच मिनट चुप रखने के लिए कहा, तर्कों के साथ बात करें, शब्दों पर ध्यान दीजिए। हम चुप रहे ना, चलिए बात, हम चुप रहे, लेकिन आप इसको बोले क्या लगातार? अब रुकिए, वकार साहब सुन लीजिए, वकार साहब कोई जवाब देना चाहते हैं वो सुन लीजिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखिए, बताइए। इसके पास मर्यादा कहां, सिर्फ सिर्फ श्री राम हमारे पास है, मर्यादा इसके पास कहां से आएगा? खैर कोई बात, आए है, आए है, आए राम के मानने वालों, राम को मत बदनाम किया करो यार, राम को मत बदनाम किया करो, हर जगह राम का बिजनेस बना लेते हो, कहां राम को ले आते हो यार, तुम्हारी शक्ल है, तुम राम के पांव की धूल नहीं हो यार, अगर तुम राम को मानने वाले होते तो तुम गोबर गोबर में बनते, इंसान बनते, और राम बहुत बड़ी बात है यार, तुम अपने आप को सुधारो पहले, सुधारो पहले। हम शैतान पैगंबर तो नहीं है ना, हम श्री राम पुरुषोत्तम। चलिए रुकिए, चलिए छोड़िए, चलिए धर्म के ऊपर गाल ना देना, ठीक है, ठीक है, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय की कमी के कारण यहीं पर डिबेट को रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहस ये थी कि कश्मीर में एक बार फिर जब आतंक पैर पसार रहा है तो सरकारें आखिर क्या कर रही है? जिस सरकार ने ये बोला था कि 370 के बाद आतंक पर लगाम लगेगी, आतंक की कमर तोड़ती थी, लेकिन आज एक बार फिर से 90 के दशक की तस्वीरें हमारी आंखों के सामने, एक बार फिर से कश्मीर में कत्लेआम देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से कश्मीर में वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां हिंदू पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें दुर्भाग्यपूर्ण। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।